बीएमडब्ल्यू मोटर हेड ने एक छोटा रिटर्न गिफ्ट दिया था हम लोग को, नवनीत मोटर्स बीएमडब्ल्यू, ये भी नवनीत मोटर की तरफ से ही है। सो देखते हैं इसमें क्या है, क्या लग रहा है, क्या रहेगा, टी शर्ट वाले में लग रहा है क्या, या फिर टी शर्ट ऐसा कुछ ही रहेगा। ओ क्या लग रहा है, वही कुछ एक्सरसाइज रहेंगे। पैकिंग तो एकदम लाजवाब है। ओ कैप है, फिर ये किचन है भाई, ये तो चाहिए था, मैंने अभी किचन भी लगाया नहीं था, पहला कैप। कैप अच्छा है वैसे तो, चला टॉवर लग क्रिकेट खेला। ये क्या, ये तो ये है ना बंडा ना, आई गेस। अच्छा ये भी अच्छा है, मतलब राइडिंग के हिसाब से सब कुछ हो गया। हाँ और दूसरा वाला बॉक्स दिया था, अभी देख लेते क्या है इसमें। इसमें तो गणपति का मूर्ति रहेगा, चॉकलेट्स, बीएमडब्ल्यू मेड चॉकलेट्स, नवनीत मोटर्स की तरफ से। सब लोग लो चॉकलेट्स ले लो बाइक की खुशी में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जाने वाला हूँ एक राइड पे, शॉर्ट राइड है 225-230 किलोमीटर, न्यू बाइक पे न्यू राइड है, जाने वाले शिरडी में। लीजामा राइडिंग गियर्स, राइडिंग पैंट और शूज तो नहीं है मेरे पास, गोप्रो एवढे लेट चालू होतो ऑन केलं नंतर, गोप्रो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ हेलमेट पे। हो चला येतो जाऊन, हो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं राइड के लिए। 8:06 AM इन द मॉर्निंग और मेरा ओडोमीटर है 155 किलोमीटर है, फ्यूल अप करना है, रिजर्व पे है मेरी बाइक, सो बाजू में पेट्रोल पंप है, फुल करना है। गणपति बापा मोरिया, फ्यूल अप हो चुका है, 1080 रुपीज़ का पेट्रोल लगा पूरा, और मैंने अभी ट्रिप भी सेट कर दिया है। बहुत लेट हो चुका है हम लोग को निकलने के लिए, 5 o'clock को निकलने वाले थे, सो अभी 6:30 हो गया है, अभी मुझे लगता है 12:30 तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। एंड बहुत खूबसूरत सा सनराइज़ है आपके सामने, मुझे तो स्पेशली राइड पर जाने के लिए सनराइज़ बहुत पसंद है, मतलब राइड या कहीं पर भी बाहर जाते समय ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। वी हैव रीच्ड ठाणे और अपने को अभी यहाँ से राइट लेना है, और लेफ्ट का रास्ता जाता है घोड़बंदर की ओर, एंड अपना जो राइट है वो नासिक हाईवे का है। सामने पूरा फॉग फॉग दिख रहा है, मुझे पता नहीं आपको कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं, पर आपको मैं आगे दिखाता हूँ, ये देखो पूरा फॉग। ये अर्ली मॉर्निंग है इसलिए ऐसे सीन है, और ठंड भी मस्त लग रही है। हम लोग अभी आसनबाग फूड हब रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं, यहाँ पे एक फ्रेंड मिलने वाली है, तो उसको पिकअप करके आगे राइड कंटिन्यू करेंगे, हॉल्ट नहीं लेना है। अरे चला बसा, आपका नाम अनिश कराड़े। okay, आप लोग कभी बाय वॉकिंग गए हो शिरडी? अभी एक पालकी जा रही थी, मतलब ऐसे बहुत पालकी है जो अभी रास्ते में मिलेंगे आपको, मैं आगे बताता हूँ, अभी शूट हुआ नहीं उनका, सो आप अगर कभी गए रहेंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, शिरडी बाय वॉकिंग साई बाबा के दर्शन के लिए उनके पास। हम लोग के यहाँ से तो बहुत सारे मंडल्स है जो जाते हैं, 30-40 ईयर्स पहले ये शुरुआत हुई थी शिरडी जाना बाय वॉकिंग। ये देखो गाइस, ये पालकी है जो अभी जा रही है, और बहुत सारे लोग हैं इसमें, पीछे भी बहुत सारे लोग गए अभी, इतना अच्छा लगता है। अभी इसमें DJ है, मतलब थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, और इधर का जो खाना वगैरह था, इसे देखो अभी लेफ्ट में जगह लिया है, एक मिनट,
लेफ्ट में पूरा अभी लोग आराम कर रहे हैं, मतलब लंच कर रहे, लंच का टाइम हुआ है तो, और जिनका हो गया वो आगे निकल चुके हैं। अगर कहीं पे भी ओपन प्लेस मिल जाती है तो पालकी वाले रुक जाते हैं वहाँ पे, फिर सब सेटिंग करके खाने का, सब प्रॉपर खाना बनाते हैं। और बहुत सारे लोग रहते भी हैं जो बीच बीच में हेल्प करते हैं खाना, मतलब पहले से अरेंज करके रखते हैं मंडप वगैरह बांध के। मैं तो कभी प्रॉपर शिरडी चल के नहीं गया हूँ, मैं छोटा शिरडी तक गया हूँ जो ठाणे में है। एंड वी मेड प्लान टू गो टू शिरडी विद अ फर्स्ट राइड, बिकॉज वेन एवर वी बाय एनी न्यू व्हीकल, मतलब फोर व्हीलर नॉट टू व्हीलर, टू व्हीलर देखे तो कोई फटक से आएगा नहीं, अभी एडवेंचर बाइक इसलिए आया हम लोग लेके, बट कभी भी हम लोग फोर व्हीलर लेते हैं कोई भी नहीं हो तो हम लोग का फर्स्ट जो ड्राइव है वो बाय डिफ़ॉल्ट शिरडी रहता है। और गाइस सामने आपको जो माउंटेन दिख रहा है वो कसारा घाट है, और अपने अभी फेवरेट रोड्स आने वाले हैं ज़िगज़ैग कर्वी रोड्स। सो अगर आपको भी ऐसे रोड्स पसंद रहेंगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। टोल नाका है, इसके आगे वाला टोल नाका गोटी से अपने को राइट लेना है। और उधर सामने एक है लाजवाब सा स्पॉट जो दिखाई दे रहा है, विंड मिल्स है, वहाँ जाना तो बनता है। अब इसको निखिल को बोलता हूँ। सामने जो आपको दिखाया था विंड मिल्स है भाई, बोले अपने ड्रोन शॉट्स ले लेंगे। सो ये जो सिन्नर घाट है, पांडुरली करके प्लेस है, वो ख़त्म होते ही इधर एक होटल है, हम लोग यहाँ पे रुके ब्रेकफास्ट के लिए। आज आम्ही आंघो कशाने केली माहिती आहे का? शॅम्पू क्लिनिक प्लस साबणच नव्हता आपल्याकडे, हॉलमध्ये होतो ना मी, साबण वन मोर ग्लास, थैंक यू। और कितना ग्लास? पांच। तो कब से कुछ पीने का मन था, हम लोग ने दो ग्लास सुबह के जूस पी दिया है। GoPro का जो चार्जिंग है वो पूरा डाउन हो गया है, जो वायर है सी टाइप का वो लाने भी भूल गए हम लोग, तो अभी ये ऑन भी नहीं होएगा कुछ भी नहीं। अभी इससे आगे शूट मुझे फ़ोन पे करना पड़ेगा, अभी होटल जाके मुझे चार्जिंग करना पड़ेगा जो कुछ है। फाइनली वी हैव रीच शिरडी, दिस इज द मेन गेट श्रद्धा सबूरी। सो हम लोग पहुंच गए होटल 3 PM को, उसके बाद फटाफट टावर वगैरह करके रेडी हो गए। अभी 4 PM हो गया है, हम लोग को दर्शन के लिए जाना है, काफ़ी लेट हो गया, फोर एंड हाफ आवर का यूजली रनिंग है मुंबई से अगर शिरडी आना है तो। हम लोग बीच में हॉल्ट ले रहे थे फोटो के लिए, फोटोग्राफी के लिए हाफ एन आवर 45 मिनट से एक हॉल्ट पे चले जाते थे। तो उसके बाद मतलब मंदिर के बाजू में ही होटल है इधर, इसके ये इसके पीछे मंदिर है, और लोग अभी दर्शन लेके आ जाएंगे। और दर्शन लेके आने के बाद प्रसाद इधर मतलब भंडारा टाइप रहता है, सबको प्रसाद मिलता है, सुबह 10 से रात को 10 तक पूरा टाइम प्रसाद चालू रहता है, तो वो लेंगे। और उसके बाद फिर से यहाँ रूम पे आके हम लोग फ्रेश होके फिर मुंबई के लिए निकल जाएंगे। ये देखो गाइस बाइक जो पार्क्ड है वो दिख रहा है यहाँ से, GoPro चार्ज को लगा दिया नीचे से केबल ला के। सो हम लोग अभी निकल चुके हैं दर्शन के लिए, और इधर हम लोग अभी पासेस का ऑनलाइन देखने वाले हैं। पास तो क्या बघितलं? और इसके बाजू में मोबाइल शॉप है, यहाँ से मैंने केबल बाई की सी टाइप जो GoPro को चार्जिंग के लिए लगाना था। ये शिरडी का MTDC होटल है, पर आप कोई भी MTDC में जाओ सबका बुकिंग हमेशा फुली रहती है,
हम लोग के इधर कोकंग में जो MBDC है कुंकेश्वर के यहाँ पे, वहाँ पे भी या फिर किधर भी आप मालशेज जा रहे हो सब इधर आपको बुकिंग फुल ही मिलती है एज यूजल, और सैटरडे संडे तो बुकिंग फुल ही रहती है। ये काउंटर पे आके आपको पासेस लेने हैं और फिर दर्शन लेने जाने हैं। ये पास है जो हमको मिला है वहाँ से, और इधर शू चप्पल एंड मोबाइल दर्शन हो चुका है और बहुत अमेजिंग का दर्शन आफ्टर मिला था कोविड के बाद। अभी आ रहा हूँ मैं दर्शन लेने के लिए, रिक्शा किया था अभी तो रिक्शा से हम लोग अभी इधर आए। इधर भोजन वाले जो आपको बोला था इधर महाप्रसाद मिलता है, वो इधर मॉर्निंग से इवनिंग पूरा टाइम चालू रहता है। और ये टेम्पल से नज़दीक में ही है। सो आप इधर आओगे तो आपको इधर भी टिकट लेना पड़ता है, कूपन लेके अंदर जाना पड़ता है, और यहाँ पे इसे कोई चार्जेस नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? देखो गाइस, ये पूरा डाइनिंग हॉल है और ये बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट हियर एट प्रसाद अलग। तो ये अभी रेडी है, हम लोग खा के लेते हैं। थंबनेल इतना ठग गया। अभी हम लोग ने सोचा थोड़ा इधर मार्केट घूम लेते हैं। इट्स 8:30 नाउ। वो आपको सामने जो दिख रहा है वो श्री समाधि मंदिर है जहाँ पे अपन दर्शन लेते हैं, और उसके बैक एंड पे ये सब मार्केट है। हम लोग जा रहे कुछ खाने के लिए होटल में। फाइनली दर्शन करके हम लोग सब लोग मार्केट में घूम रहे थे, उसके बाद अभी कैसे आपको बोला मैं निकलना था हम लोग को जल्दी, वो तो हो नहीं सका है पॉसिबल। अभी हम लोग इधर टाइम बहुत चला गया, तो हम लोग अभी थोड़ा खाएंगे, डिनर वगैरह करेंगे, और डिनर करके फिर बाद में होटल जाएंगे, होटल से चेकआउट करेंगे, फिर डायरेक्ट मुंबई। सो थोड़ा लेट हो चुका है, अभी बजे है 9:30 हो गए। ये प्रेजेंटेशन बगन असं वाटतं चायना लागलं प्रॉपर जेवायला। सो गाइज, हियर इज द टाइम टू एंड द व्लॉग। मैं आ गया हूँ मेरे होटल पे। हम लोग ने पूरा दर्शन वगैरह लेके फिर बाद में मार्केट वगैरह पूरा घूमा, जैसा आपको मैंने बताया बहुत अच्छे से हुआ दर्शन, बहुत अच्छा लगा मिलके। बट मिला हुआ एक्चुअली 2 साल कोविड में तो ऐसे ही चला गया था, आया नहीं था। उसके पहले आया था एक बार, पर बहुत पीसफुल था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सिंपल था, इतना कुछ नहीं बाइक राइड का था, बाइक राइड जो था उसके रिगार्डिंग था। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके थॉट्स कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।